टॉप 5 बेस्ट मोटोरोला स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीस। सो दोस्तों, अगर आप भी मोटोरोला के फैन हैं और आपको मोटोरोला की तरफ से इस प्राइस पॉइंट के अंदर कोई अच्छा और परफेक्ट 5G स्मार्टफोन चाहिए, सो दोस्तों अब भी समय है, क्योंकि इस समय फ्लिपकार्ट पर बिग दिवाली सेल चल रही है और इस दौरान आपको सभी स्मार्टफोन्स पर काफी अच्छे डील्स और डिस्काउंट्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। और हम आपके लिए कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स लेकर के आए हुए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले पावरफुल स्मार्टफोन की, और ये फोन है यहाँ पर मोटो का G34 5G। बात करें इस फोन की तो डिजाइन आपको एज यूजुअल हमेशा की तरह वैसा ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों बैक साइड में आपको यहाँ पर वेगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन आपको प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन 8mm की थिकनेस और 183 ग्राम्स के साथ में आता है। और रही बात इन हैंड फीलिंग की, तो इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाले। रही बात फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 580 नीट तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिलती है। सो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे थोड़ी सी डिसेंट है। अगर यहाँ पर फुल HD+ का रिजोल्यूशन होता तो फिर यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छी होती। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट टाइप के आउटपुट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो कलर को एनहांस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स और काफी सारे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप अपनी फोटो क्वालिटी को और एनहांस कर सकते हैं। रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैक्रो कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली दोस्तों वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन आपको यहाँ पर मिलता है। स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का पावरफुल चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है Adreno 619 का GPU। और अच्छी बात यह कि स्मार्टफोन औंधे पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन है। और इसी के साथ में आप यहाँ पर हाई लेवल की सेटिंग पर भी गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली दोस्तों काफी अच्छा फोन है। अब बात करते हैं पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है और 20 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा। चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिलती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, जिसके आउटपुट दोस्तों डेफिनेटली अच्छे हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है, तो आउटपुट में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाले। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया और आपको यहाँ पर 1 साल का मेजर अपडेट भी देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर 13 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, साथ ही IP52 रेटिंग के साथ में आता है, तो हल्का फुल्का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन VoNR के सपोर्ट के साथ में आता है, यानी कि आप यहाँ पर 5G पर वॉइस कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कैरियर एग्रेशन का भी सपोर्ट दिया गया है। सो ओवरऑल ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी अच्छा पैकेज है। तो चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपए, वहीं पर स्मार्टफोन के 8 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,999 रुपए। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्मार्टफोन के हायर वेरिएंट के साथ में जाएं, जो कि फ्यूचर के लिए आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हम रखा हुआ है मोटो का G45 5G। बात करें इस फोन की तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बैक साइड में आपको यहाँ पर वीगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इन सभी के अलावा 8mm की थिकनेस और 183 ग्राम्स का है। सो ओवरऑल देखेंगे तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है, और बिल्ड क्वालिटी भी फोन की यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.5 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको सपोर्ट मिल जाता है, और साथ ही आपको 580 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। हालांकि आउटडोर में विजिबिलिटी के थोड़ी मोड़ी इशू देखने को मिल सकते हैं।
साथ ही आपको यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर ऑनलाइन HD कंटेंट वगैरह स्ट्रीम कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिलती है, हालांकि यहाँ पर फुल HD+ का रिजोल्यूशन होता तो और ज्यादा अच्छा होता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास देखने को मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक मैक्रो लेंस लगा हुआ है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बात है। रही बात इमेज आउटपुट की दोस्तों, तो डेलाइट में फोटोज भी अच्छी निकल कर आ जाती हैं। साथ ही आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह का सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पर हम बात करें अगर वीडियो आउटपुट की दोस्तों, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। और अच्छी बात यह है कि बैक साइड में आपको यहाँ पर EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस्ड Snapdragon 6s Gen 3 का चिपसेट। आपको याद होगा कि हमने Moto G34 5G के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट देखा था, जो कि लगभग सेम परफॉर्मेंस ही निकाल कर देता है जैसा कि आपको Snapdragon 6s Gen 3 निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि डिजिटल वगैरह में आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। और हाँ, और आप यहाँ पर HD ग्राफिक्स पर काफी अच्छी गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, जहाँ पर 20 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी सच में काफी कमाल की है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर मिलता है एक हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 14 पर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, जहाँ पर आपको VoNR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर हो जाता है। सो देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। सो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग ये एक कम्प्लीट पैकेज है। हालांकि फुल HD+ का रिजोल्यूशन होता तो डेफिनेटली ये एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी कहलाता। चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 4 और 128 के लिए नॉर्मली आपको देंगे 10,999 रुपये, बट अगर आप चाहें तो बैंक ऑफर्स लगा करके स्मार्टफोन को अंडर 10,000 रुपीज़ की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा पैकेज है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं लिस्ट में अगले फोन की तरफ। और अगला स्मार्टफोन रखा हुआ यहाँ पर मोटो का 54 5G। बात करें इस फोन की गाइस, तो हमें लगभग इस प्राइस पॉइंट के अंदर सभी स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिल जाते हैं, और ये स्मार्टफोन भी प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना हुआ है। लेकिन इस फोन के अंदर PMMA का मटेरियल यूज किया गया है, जो कि आपको स्लाइटली बेटर देखने को मिलता है प्लास्टिक से। सो ओवरऑल जो फोन की बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन 9mm की थिकनेस और 192 ग्राम के साथ में आता है, तो थोड़ा सा खाया पिया हुआ जरूर है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिलता है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल। साथ ही आपको यहाँ पर 580 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होने वाली है। HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है, और गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको अच्छी मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको 2 ही कैमरास मिलेंगे, लेकिन दोनों ही कमाल के हैं। पहला आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और साथ ही आपको यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा, जिससे दोस्तों आप यहाँ पर बूके मोड वगैरह भी ले सकेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। रही बात वीडियो आउटपुट की दोस्तों, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। हालांकि वीडियो के मामले में थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर करेगा, लेकिन दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टिल इमेजेस आपको यहाँ पर अबो एवरेज देखने को मिल जाती हैं, यानी कि आप इसे डिसेंट कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको एक ब्रांड न्यू 7020 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। अंततः की बात करें तो लगभग 4,70,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, तो परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी निकाल कर देगा।
साथ ही साथ आप यहाँ पर गेमिंग वगैरह भी काफी अच्छी कर सकेंगे। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। सो ओवरऑल अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस वाला फोन ढूंढ रहे थे तो भी आप स्मार्टफोन की तरह देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा मिलेगा, साथ ही 33W चार्जिंग का सपोर्ट चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। तो चलिए कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया, और यकीन मानिए दोस्तों ऑडियो क्वालिटी सच में बहुत कमाल की है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी कि आप एक साथ में एक 5G सिम और मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर लॉन्च किया गया है, और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर कोई भी ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलते। साथ ही आपको एक साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। और वैसे मोटोरोला का फोन है तो थिंकशील्ड की सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन लगभग 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो काफी फ्यूचरिस्टिक भी है। सो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 15,999 रुपए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो काफी अच्छा ऑप्शन है। और ये फोन है यहाँ पर मोटोरोला का G64 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बेल्ट पर मिल जाता है। बेल्ट क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे दिए गए। साथ ही साथ ये फोन 8.9mm की थिकनेस और 192 ग्राम्स के साथ में आता है। सो देखा जाए तो ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा बल्कि भी नहीं है, तो इन हैंड फीलिंग में फोन काफी अच्छा रहता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, यानी कि आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर फोन की अच्छी है, आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 600 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। सो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैंपलिंग रेट भी मिलती है। सो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है, जैसा कि हमें मोटो के G54 में देखने को मिल जाती है, तो डिस्प्ले क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिलते। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको 2 कैमरास देखने को मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा है 50MP का, जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में आपको यहाँ पर OIS जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इन सभी के अलावा 8MP का आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा, जो कि आपको डेप्थ और मैक्रो फोटो खींचने में भी काफी मदद करता है। सो देखा जाए तो यहाँ पर आपको लगभग एक कंप्लीट सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16MP का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है, डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी निकल कर आती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30fps। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस मीटर एक डायमेंसिटी 7025 का चिपसेट, जिसे अगर हम कंपेयर करें मोटो G54 से तो यहाँ पर आपको लगभग सेम परफॉर्मेंस ही निकाल कर देता है। यहाँ पर यह स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो मीडियम लेवल की गेमिंग आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। वैसे यहाँ पर आपको LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, जो कि 30W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है, तो नॉर्मल यूजिंग पर आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है, और आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी ट्यूनिंग आपको मिल जाएगी डॉल्बी एटमॉस की तरफ से। और यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी दोस्तों डेफिनेटली बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, सो आप यहाँ पर एक साथ में एक 5G सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है मोटोरोला का MyUX का सपोर्ट, लेकिन इस बार आपको थोड़े से ब्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, हालांकि आप उन्हें अनइंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको 3 साल के और भी सिक्योरिटी पैचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखेंगे तो ये कंप्लीट पैकेज है मोटोरोला की तरफ से, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, सो दोस्तों 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपए। और दोस्तों अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं और अगर आप सेल में कोई अच्छा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मोटो का G85 आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है। हालांकि प्लास्टिक की फ्रेम होगी, प्लास्टिक का बैक होगा, लेकिन कुछ स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर इको लेदर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा।
इसी के साथ में ये स्मार्टफोन 7.6 mm की थिकनेस और 173 ग्राम्स के साथ में आता है। तो देखा जाए तो आपको यूज करने में भी यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग मिल जाती है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो फोन की यहाँ पर काफी अच्छी है। बात करें डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंच की एक प्लास्टिक OLED पैनल जो कि 10 बिट की है, यानी आपको यहाँ पर 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और 1600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। साथ ही साथ कर्व एजेस के साथ में आती है, तो आपको यहाँ पर मूवीज वगैरह वॉच करने का जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा इन्हेंस हो जाता है। वहीं पर गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रेफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले आपको यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा 50 मेगापिक्सल का जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ। इसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है जो कि मैक्रो और साथ ही साथ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी आपकी काफी मदद करता है। रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कंप्लीट सेटअप दिया गया है। और रही बात इमेज क्वालिटी की, तो भाई यहाँ पर काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हो चुका है। मोटोरोला की तरफ से आपको इमेज क्वालिटी में थोड़ी भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इमेज क्वालिटी डे लाइट में काफी कमाल की है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक दोनों से ही आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 fps। वैसे बैक से आपको यहाँ पर 60 fps तक का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो कैमरा परफॉर्मेंस भी फोन की यहाँ पर काफी अच्छी है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन की चिपसेट की। ये स्मार्टफोन आता है 6nm बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 चिपसेट के साथ में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये लगभग आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 जैसी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। ये स्मार्टफोन अंतितु पर लगभग 4,75,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर मीडियम सेटिंग पर अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाएगा। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी और ये स्मार्टफोन 33W चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स हैं जहां पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। और भाई देखा जाए तो ऑडियो क्वालिटी सच में बहुत कमाल की है। इसी के साथ में ये स्मार्टफोन हाइब्रिड स्लॉट के साथ में आता है, सो यहाँ पर आप एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वहीं पर अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर, जहां पर मोटोरोला की कस्टम स्क्रीन हेलो UI का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। रही बात अपडेट्स की, तो ये स्मार्टफोन आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस के साथ में मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है, तो अगर आप 3.5mm जैक चाहते थे तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहते थे तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात कर ले प्राइसिंग की, सो दोस्तों 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 17,999 रुपए। बट दोस्तों इस सेल में ये स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए की कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली काफी कमाल का पैकेज है। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा।